मनुष्य योनि का भोग। एक दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर जा रहा था। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे दो मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए दो मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए दो मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं, बड़ी 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 अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्य से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मन बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं है, अभी भी वह पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यता निखरा नहीं है, और जब तक मनुष्यता नहीं निखरता तब एक तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा प्रभु ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूर दृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओहो वाह, कहीं कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्य की है लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यता का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण। ब्राह्मण रीति रिवाज एवं कर्मकांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्यता दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे। यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर टका आना दो आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो, ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी पराठे पूरी आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मोची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप नहीं आया तो 5 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई तो राजा मंत्री से क्रुद्ध होकर, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। देव योग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा
थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा की नाप की ही बनी हो। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहन रहा हूँ, किस मोची ने बनाई है ये जूती? मंत्री बोला, हुजूर यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया, उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपये होते हैं, किंतु यह 5 रुपये वाली नहीं है, 500 रुपये वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 रुपये और जूती के 500, कुल 1000 रुपये इसको दे दो। मोची बोला, राजा जी तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी लेकर आता हूँ। मोची जाकर विनम्र पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा ने बोला, राजा जी यह जूती नहीं इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ, यह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और वो कर गया होगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति हो। इसलिए राजन ये रुपये मेरे नहीं हुए, मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी। फिर 5 रुपये मिलते तो भी इनके होते और 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण मोची ये तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बात बताई, बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि राजन आपके राज में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का अंश इन मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा, जरा हम भी तो देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे भी कोई सियार दिखा तो कोई हिरन, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ? उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर। उसके आश्चर्य की सीमा न रही, ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है, वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण, वे तो कहीं चले गए, ऐसे महापुरुष कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है, व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखे उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखे कि हम सर्प योनि से आए हैं, किस शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हमने मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी हो तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। कैसे?
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब को आजी, तुलसी होई राम को राम भजी तजी कुसुमाजू। संस्कारों को छोड़ दे, बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो ही निकलेगा। यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यता आए तो एक बार, एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गवाता है। पशुवत के संस्कार बने रहेंगे तो आपका समय बीतेगा। अतः पशुवत के संस्कारों को आप बाहर निकालिए एवं मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा, और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है हरि नाम संकीर्तन यानी सत्य का संग व सत्संग से। तो हे आत्मजनों, मानवताओं से जो पूर्ण है वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव ही पशुजा रह जाता है। इसलिए आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कम 2% दान करते रहें, और जो सेवा है वो करते रहें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।